नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल आशा हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि आप हमारे वीडियो में नए नए पेड़ पौधों के बारे में जानकारी पाते हैं, तो आज ऐसे ही हम आपको एक पौधे के बारे में जानकारी देंगे, जो कि दोस्तों पूरी दुनिया में सुबह सुबह बहुत सारे लोग चाय या कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल बहुत सारे लोग तो चाय कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं, पर चाय का पौधा या कॉफ़ी का पौधा कैसा होता है, ये कैसे बनता है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। तो हम आज आपको परिचय कराते हैं काफ़ी के पौधे से। तो दोस्तों आप जो यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ लगा हुआ है काफ़ी का पौधा, तो ये हम कर्नाटका से लेकर आए थे, क्योंकि ये हमें भी मालूम नहीं था कि काफ़ी का पौधा है। लेकिन इसके ये जो फल आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये फल अभी तो कम मात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन जब ये फलता है तो पूरे टहनियों से पूरा फलों से लदा हुआ होता है, और ये लाल काले कलर के फल बहुत ही सुहावने और मनमोहक लगते हैं। तो मैं इसके बीज लेकर आया था कर्नाटका से, कोई शो का या बगीचे में लगाने वाला पौधा होगा करके, परंतु बाद में मेरे को पता चला कि ये काफ़ी का पौधा है। वैसे काफ़ी में बहुत सारी वेराइटीज होती है, 5-6 वेराइटी कुछ उसमें है जो कमर्शियल यानी व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती करती है कर्नाटका वगैरह इलाके में। तो वहाँ इसकी जो है वो लोग अलग अलग वेराइटी का लगाकर अलग अलग बीज से अलग अलग या मिश्रण करके अलग अलग ब्रांड का कॉफ़ी तैयार करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी कैसा होता है, कॉफ़ी का पौधा कैसा होता है, ये जानकारी नहीं होती, जबकि कॉफ़ी पीते बड़े शौक से है। तो दोस्तों ये देखिए कि ये कॉफ़ी का पौधा इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं, आप जैसे देख रहे हैं, और इसको हर सीज़न में ऐसे फल आते रहते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं लाल फल कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी तो कम है, लेकिन बाद में नेक्स्ट टाइम जब इसको और फल आएंगे तो हम आपको और इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। तो ये हम जो लेकर आए थे, तो इसका हमने जो है बीज से ही ये किया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फल कुछ सूखे हुए हैं, तो इन फलों से जो बीज निकलता है और उन बीजों से ही फिर उसको ट्रीट करके काफ़ी बनाया जाता है, और उसी काफ़ी का अपन टेस्ट लेते हैं। और अलग अलग जो प्रजातियाँ है वो अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग बीज का एक्सपर्ट लोग ब्लेंड बनाकर अलग अलग टेस्ट और अलग अलग इसकी ये देख सकते हैं आप बीज। तो इससे बड़े भी बीज शायद जहाँ इसको पर्यावरण पूरक होता है वहाँ बड़े बीज आते हैं, लेकिन ये अपने विदर्भ में फलता है, जब बहुत फल रहा फलता है ये, अभी थोड़ा कम है इसमें फल, पर जैसे कि पूरा हर शाखा पूरी लाल लदी हुई होती है फलों से। तो आप देख सकते हैं इसके पत्ते, गौर से देखे ये और आप पहचान सकते हैं कि ये दोस्तों अरेबिका कुछ वैरायटी है, उसका ये बीज हमने लाए थे। और इसका ये पौधा यहाँ देखिए आप, बहुत सारे पौधे हैं जो बीज गिर जाते हैं उनसे पौधे उगते हैं। अगर हमारे किसान भाई इस पर कुछ शोध कर, अगर ये विदर्भ में भी अगर कॉफ़ी की खेती हो सकती है तो व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और पौधा भी अच्छा आता है, बीज भी अच्छे आते हैं, ये हमारा अनुभव है। अब सवाल ये है कि हमने इसको व्यावसायिक तो नहीं किया, पर कोई किसान भाई अगर इसमें इंटरेस्ट ले और इसकी कमर्शियल खेती के बारे में जानकारी लेकर यानी व्यावसायिक खेती के बारे में जानकारी लेकर अगर इसकी खेती यहाँ विदर्भ में कर सके, तो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और हमारे सभी दर्शकों को काफ़ी के पौधे के बारे में हमारे इस वीडियो से हम जो जानकारी देना चाहते थे कि हम जिसको रोज़ाना यूज करते हैं उसी का पौधा या पेड़ कैसा होता है हमें मालूम नहीं होता, और अक्सर बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रअंदाज हो जाती है। तो आपको जैसे अभी हमने कॉफ़ी का पौधा बताया, ऐसे ही हमारे वीडियोज में अलग अलग पेड़ पौधे या इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। तो इसलिए आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।